हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वैद्य नर्सरी से प्लांट मंगाए हुए बॉक्स की अनबॉक्सिंग करूंगा। ये देखिए, ये वैद्य नर्सरी से आए हैं हमारे पास पार्सल, अभी मुझे मिल चुका है और अब इसकी करता हूं मैं अनबॉक्सिंग। हमारे प्लांट इसके अंदर किस कंडीशन में है वो देखेंगे अब। पैकेजिंग तो बहुत अच्छी कर रखी है, ये देखिए चारों तरफ से गोल गोल बना रखा है। चलो अब इसको मैं खोल के देखता हूँ। ये देखिए पैकेजिंग हम खोल चुके हैं और इसके अंदर है हमारे पौधे। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों, पौधे टूट चुके हैं, झड़ चुके हैं। बाकी पौधे में तो हरे भरे तो हैं, लेकिन ये पौधा एक टूट चुका है। ये देखिए, ये काफी दिनों से टूटा पड़ा है, ये देखिए ये सूख चुका है बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, मैंने अनबॉक्सिंग कर लिए, चार पौधे मंगाए हैं, चार पहुंचे मेरे पास। ये सबसे पहले है रेड पामेलो। ये क्या होता है भाई रेड पामेलो, मैंने तो पहली बार सुना है। ये देखिए, ये टैग लगा हुआ है इसमें रेड पामियो। ये पौधा किस चीज का है भाई, समझ में नहीं आ रहा। और सेकंड नंबर पे है, ये कौन सा है भाई, क्या लिखा है इसने, वियतनाम माल्टा। ये पौधा मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, ये ठीक है। और इसके बाद ये वाला मिशोरियो माल्टा, ये भी मैं जब मंगाया था सही पहुंचा है, ओके है। और ये वाला पौधा ना जाने किस चीज का है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, BDB1G, इसका क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। और ये वैद्य नर्सरी का टैग भी लगा हुआ है पीछे, ये देखिए। और ये पौधा तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। देखते हैं दोस्तों, नर्सरी वाले मालिक से बात करके देखेंगे क्या ये पौधा रिप्लेस होगा या नहीं होगा। और मेरी ये वीडियो आप सभी दोस्तों को अगर अच्छी लगी हो, अनबॉक्सिंग वीडियो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका वो दूंगा अपडेट, नर्सरी वाले भाई के साथ बात करने के बाद मुझे इस प्लांट के बदले में नया प्लांट मिला या नहीं मिला। चलो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए।